उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां बीते दिनों प्रशासन ने योगी मंदिर से मूर्ति हटवा दिया था, तो वहीं अब योगी मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रभाकर मौर्य ने अपने फार्म हाउस पर तिरपाल लगाकर योगी की एक तस्वीर रख पूजा आराधना शुरू कर दी है। तो वहीं आज बिहार के अररिया जिले से पहुंचे लगभग आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और आरती उतारी। आपको बताते चलें, बीते दिनों प्रभाकर मौर्य के चाचा ने प्रभाकर मौर्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना है वह बंजर की जमीन है। उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मूर्ति हटवा दी थी, जिसके बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूजा आराधना चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां साजिद इकबाल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और योगी मंदिर में पहुंचकर विधि विधान पूर्वक आरती उतारी। जानिए क्या कुछ कहा साजिद इकबाल और मंदिर निर्माण करने वाले प्रभाकर मौर्य ने। मैं अररिया बिहार से उत्तर प्रदेश भ्रमण पे अयोध्या आया था और कई जगह के भ्रमण करने के बाद यहाँ भरत कुंड आया और यहीं से मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये चर्चा भी खबर सुनने को आई थी कि योगी जी का भी एक मंदिर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। और हमारा सौभाग्य कैसे महर्षि महापुरुष की मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में उनके किसी अच्छे भक्त ने की है। तो हम लोगों ने भरतकुंड आकर के जब पता किया, भाई तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, ज़रूर उस मंदिर के भी दर्शन करके योगी जी की लंबी आयु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वहाँ पे हम लोग अपने धार्मिक प्रेयर के अनुरूप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये जब से मंदिर से मूर्ति हटी है, गायब हुई है, तब से हम लगातार पूज्य महाराज जी की आरती अपने इस फार्म हाउस के अंदर कर रहे हैं और आज जो है कुछ लोग बाहर से भी आए हैं पूज्य महाराज जी की आरती पूजा दर्शन करने। आरती गायब।